Studios. You are watching 11 p.m. Bulletin. फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। अगर अमेरिका जैसी जगह जिधर 2,000 लोग दिन में मर रहे हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद की। अगर यूरोप के अंदर एक एक दिन के अंदर 800-800 लोग अभी भी 500-500 लोग मर रहे हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की, एयर ट्रेवल बंद नहीं की, हमने क्यों ये बंद करके रख दी है? डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और केसेस बढ़ेंगे, ये भी मैं आपको भी बताऊंगी, केसेस बढ़ने हैं अभी। बाकी लोग तो अपनी शायद इकोनॉमी को बचा रहे हों, हम तो अपने लोगों को भूख के मरने से बचा रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि आप खोले। हमने कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को खास तौर पे कोशिश की है हर किस्म का इंसेंटिव दें ताकि कंस्ट्रक्शन शुरू हो, और उसका मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मजदूरों को रोजगार मिले। वज़ीर आज़म जी समेत समूरन सूबन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलण जी अपील। इमरान खान चयो आहे त अमरीका ऐं यूरोप में रोज़ानो 2,000 माण्हू मरण पिया, पर उते पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐं एयर ट्रैफिक खुलियल आहे। पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट छो बंद कई वही है? वज़ीर आज़म जो चवण है डॉक्टर से अजा दबाव बधंदो, छाकाण त कोरोना जा केसिस अजा वधंदा, बिया मुल्क मईशत बचाइन पाया, असा के माण्हुनि खे भुख मरण का बचाइणो आहे, लॉकडाउन खोलण मजबूरी आहे। सिंध सरकार वज़ीर आज़म की अपील से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलण का लाचारी जाहिर कर छी। ट्रांसपोर्ट बारे सूबाई वजीर अवेस कादिर शाह जो चवण है तो वज़ीर आज़म के हुकुम जो एहतराम है, पर ट्रांसपोर्ट नथी खोले सके। वज़ीर आज़म पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलराए मुल्क के वुहान या इटली बनाने चाहे तो? अवेस कादिर शाह वज़ीर आज़म पा फैसलो नथो करे सके तो कें अकलमंद का मशवरो वठे। सिंध सरकार ट्रांसपोर्ट हलाने की इजाजत न दिनी तो गाड़ियों के बाहर ही छींदी। सिंध ट्रांसपोर्ट के अगवान इरशाद बुखारी चेतावनी छोड़ो। टाइम न्यूज से गालाइंदे तो ट्रांसपोर्ट बंद होने करे हजारे मानू मुआशी बदहाली जो शिकार थी व्या है। सिंध सरकार के मामले जो सोचन घुर्जे। इन वक्त भी कराची शहर में रक्षण अंदर 5-8 मानू नजर अचन था, हुकूमत किथे है? खैबर पख्तूनख्वा सरकार सूमर का सूबे में SOPs तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलण जो फैसलो करे छोड़ो। सूबाई वजीर अजमल वजीर जो चवण है तो आवाम के अहंजन के नजर में रखंदे पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोली पी वे। पंजाब में गाड़ियों हलायण लाय सूबाई हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स विच में गाड़ियों कामयाब। SOPs के हतमी शक्ल दियण लाय मुशावरत मुकम्मल। सूमर का शॉपिंग मॉल्स खोलण जो ऐलान। वफाकी सरकार सुभाणे का मुल्क के मुख्तलिफ शहर ना उड़ानू बहाल करण जो ऐलान कर छोड़ो। सिविल एविएशन अथॉरिटी जो चवण है तो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा और पिशावर का उड़ानू सुभाणे का बहाल थी वेंदू। मुसाफिरन के SOPs तहत सफर कराया वेंदो। जहाजन अंदर बिन मुसाफिरन के विच में एक सीट खाली रखी वेंदी। मुसाफिरन लाय मास्क और सैनिटाइजर्स जो इस्तेमाल भी लाजमी करार। परदेही उड़ामन की मुअतली में 31 मई ताईं वाद। किस बात की तकलीफ है? शर्म करो, या करो, हौसला करो, सब्र करो, बर्दाश्त करो। ऑपोजिशन की अगर अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो साथ ही साथ हकूमती बेंचों की भी होनी चाहिए। जिन्ना खादियां गाजरां उन्हां दे पेटे पीड़, ये पीड़ जरूर पैनी है। तीन तीन बार वजारत उदमा इंजॉय करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब करो, दोनों हाथों से इस मुल्क को लूटा है, इस गरीब को। सरवर खान साहब देना होगा। वाइंड अप करें जी, वाइंड अप करें। मैं तो अपने वाइंड अप करें। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान चयो आहे तो ओपोजिशन वारन के शर्म अचण घुर्जे, हया अचण घुर्जे। हू मुखालिफ धुर्जे अखबारन जी या नाहे जो नैब खां लिकंदो वतंदो। ओपोजिशन जे माण्हू बिन्ही हथनि सां मुल्क खे लुटियो आहे त हाणे हालतुनि खे मुंहुं ॾियनि। क़ौमी असेंबली जे इजलास में वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान जे ख़िताब दौरान ओपोजिशन जो गोड़। यहां पे हमने आके क्या देखा? खाली डेस्क,
अगर हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली थी, कोई एक सफा बता दें कि इनसे कोरोना पॉलिसी का गिला क्या करना। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि क्या कोई पॉलिसी है इस हुकूमत के पास? सिर्फ एक पॉलिसी है कि अपने चहेतों को, अपने सोशल मीडिया के जियालों को जो गालियां देते हैं अपोजिशन को, उनको वजारतों के ओहदे कैसे बांटने हैं। यहाँ ना तजर्बेकारी भी है, ना अहली भी है, और अनापरस्ती भी है, जिसकी आज सजा कौम भुगत रही है। नून लीग अगवान अहसन इकबाल है तजर्बो न रखड़ वजी अजम अना की हिमालिया से चढ़ियल है। हुकूमत की कारकर्दगी हुए तो उन बहस कर कारी वा कखा है। पहला खिताब आता है 17 मार्च को। येट अगेन 17 मार्च वो दिन था जब पाकिस्तान में 238 लोग इन्फेक्ट हो चुके थे। वो पहला खिताब वजीर आजम का उस दिन हुआ। टिड्डी दल जिसने हम पर हमला किया हुआ है, पूरा एक साल लग गया इस ऐवान में चीखते रहे, कुछ नहीं किया फेडरल गवर्नमेंट ने। एक वबा हमें हेल्थ क्राइसिस की शक्ल में मिली है, दूसरा क्राइसिस हमें फूड का अल्लाह ना करे मिले, होश के नाखून ले और लोकस जैसे इस चैलेंज से निपटने के लिए कमर कस ले। पीपल्स पार्टी की मेंबर शाजिया मरी जो चवण है तो सबका पहरियों लॉकडाउन सिंध में थो बन सूबन सिंध सरकार की पैरवी कई और तनकीद भी वरी सिंध हुकूमत से कई पी वे। नई NFC कमीशन में नुकसान गैर आयनी नोटिफिकेशन वापस वरत वे। स्टेट बैंक ब्याज की शरह नव में घटाए 8 कर छी। स्टेट बैंक बिन महीनों लाए नई मॉनिटरी पॉलिसी जारी कदे है तो बिन महीनों दौरान ब्याज की शरह में 5.2% घटताई आई। नई शरह भी बिन महीनों तीन लागू होंगी। गवर्नर इमरान इस्माइल सिंध रिलीफ ऑर्डिनेंस मंजूर करे वे वजीर डां उमाणे छो। रिलीफ ऑर्डिनेंस पहीं अप्रैल का लागू होंद। ऑर्डिनेंस मूजिब जी खानदान 50,000 रुपये का घट मसवाड़ वे घर में रहन था वे फिलहाल मसवाड़ न भरींदा। 80 गज तीन घर लाए पानी के कनेक्शन से बिल की अदायगी भी फिलहाल मुलतवी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब है तो सिंध में वबाई मर्जन बाबत तरमीमी एक्ट लागू थी चुको है। वबाई मर्जन बाबत एक्ट की भंजकड़ी से 10 लख रुपये तीन दंड विदो वो। सिंध के सनत व्यापार वे वजीर शॉपिंग मॉल्स खोलने को मुतालबो कर छो। कोरोना सूरत हाल से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन के विजुअलिंग जरिए इजलास में गालाइंदे जाम इकरामुल्ला धारे जो है तो SOPs तहत ऑटोमोबाइल सनत के खोले सके तो मौजूदा सूरत हाल में होटल्स खोलने जो खतरो न तो खड़ी सके। खुराक खाते पारा 10 लख मैट्रिक टन कणक खरीद करण की दावा अख्तियार चवण है तो जून महीने तीन जारी रखने बाद टारगेट मुकम्मल थी वो। जखीरे चुरपुर से पाबंदी बाद कल कार्रवाई में 50,000 मैट्रिक टन कणक जब्त कई वही है। 9,50,000 मैट्रिक टन कणक सेंटर्स से खरीद कई वही है। ऐवान ज़रात के अगवान जाहिद भुरगड़ी के चवण है तो कणक ओपन मार्केट में वही चुकी है। खुराक खाते के सेंटर से थीदड़ खरीदारी से हदफ मुकम्मल कर मुमकिन न। कराची बार एसोसिएशन जहा वकील बिन धड़न में विरायज पाया। एक धड़े जो छंछर ड्याड़े एलानियल एहतजाज का ला तालुकी जो इशार। बार के सदर मुनीर मलिक जो चवण है तो सिंध सरकार से मामला तय थी वह कराची बार लाए 1.5 करोड़ रुपया 200 एकड़ जमीन दियण जो ऐलान किया वो है। मामला तय थियण का एहतजाज अजायो है। बार के जनरल सेक्रेटरी GM कोराई जो चवण है तो सदर मुनीर मलिक के प्रेस रिलीज जारी करण जो अख्तियार ना है। बार तरफा ऐलान जो अख्तियार रुगो जनरल सेक्रेटरी वट है। वकील के विराइंदड़ नाकाम थींदा। सिंध में कातिल कोरोना वधिक 12 हयातू गिड़काए वो। सूबे में फौत थियलन जो अंग वधी 255 थी वो। कोरोना जो वधिक 870 नवा केस जाहिर। अंग वधी 14,916 थी वो। वे वजीर मुराद अली शाह चयो है तो लाड़काने में 57, सखर में 23, खैपुर में 22, तोड़े कंबर में 19 केसिस रिपोर्ट थे। पीरगोट में 291 जणन की बीहर करायल टेस्ट में 47 जणन के कोरोना जाहिर। हैदराबाद में कोरोना वेगे औरत समेत 3 जणा फौत थी। लाड़काने की चानका अस्पताल में कोरोना वेगे एक जणो हयाती विञाए वेठो। खिची पाड़े के फौत थियल 9 जणन के 28 मायतुन के वायरस की तस्दीक।
शहरन में अजोके दिहाड़े जाहिर थियल कोरोना केसन जो अंग वधी 41 थी वयो। करमपुर कैडेट कॉलेज में करंतीना कल 14 जणन जी कोरोना टेस्ट बीहर पॉजिटिव आई। सांगड़ में वधिक 6 जणन के कोरोना जी तस्दीक। शिकारपुर में मकामी मुंतकरे जा वधिक 3 केस जाहिर। मिठी में कोर्ट मुलाजिम जे पुट के कोरोना वायरस लगी वयो। कराची के साइट वाले इलाके में जाल मुड़स जहाँ गोलू लगल लाश खत। 48 वर्ष के शमसुर रहमान संदस जाल महनाज बीबी के लाश घर अंदर मिलिया। पोस्टमार्टम ला अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का चवण है तो वाक्य आपघात लगी रो है। जवाबदार जाल के कत्ल करण बाद पान के भी गोली गई। कराची के बिल्किस प्लाजा में 4 मार्च के फ्लैट अंदर सिलेंडर धमाको। एक ही घर जा 6 भाती सड़ी जख्मी थी पाया। अस्पताल मुंतकिल। पुलिस जो चवण है तो शुरुआती रिपोर्ट मूजिब धमाको गैस लीकेज सबब थो। सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में मासूम बारवी सूदो 4 जणा बुरी फौत थी वह। ठठे वेझो गोठाने की 3 वरन की न्याणी जुलेखा कीरियो शाख निकली बुरी फौत थी वही। हैदराबाद के फुलेली बाग में विहंदे 17 वरन जो शाकिर काजी बुरी हयाती बिना वेठो। हैदराबाद वासी टंडो जाम में गर्मी का बचण लाए विहंदे बुरी फौत। रेमियान खान वासी मजा ड्राइवर सैयद बिलावल हुसैन मटियारी वेझो रोड़ी किनार में बुरी फौत। टंडो बागो की शाही बाजार में दुकान बंद कराने था दुकानदारों जो पुलिस एहलकार के कुछ को वर्दी लीणू लीणू कर छी। एहलकार रूपो रिपारी दुकानदार साहिल और सलमान मेमन के गिरफ्तार कर लॉकअप कर छो। बदीन में राशन वी दियण के बहाने से गरीब औरत मुबैना तौर इज्तमाही रजालू जो शिकार। औरत दायों है तो जवाबदार भनू उमरानी और संदस चैन साथियों खेस इज्तमाही रजालू जो निशानो बनाया। एसएसपी बदीन के दरख्वास्त देने बावजूद जवाबदार खिलाफ कार्रवाई न थी। मुतासिर औरत तरफा पुलिस से जवाबदार की साथारी हुजन जो इल्जाम। सिंध के मुख्तलिफ इलाक में तेज हवा सगन बरसात। दादू भांजेदाबाद टंडोजा पडीदन बन इलाक में वसकारे का मौसम खुशगवार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु मां आहियां शाहिद सियाल। हेडलाइंस समझ अचूं, बुलेटिन जी शुरूआत कंदासीं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।